तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं ललिता आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ एक नई वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये वीडियो मेरे पास बाद में आया। ये शॉर्ट वीडियो तो थोड़ा थोड़ा सा ना जूम करके मैं बना दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये लड़के की तरफ से सारा चीज़ आया हुआ है, तो ये दिखा रहे थे सारा सामान, सब स्वीट सब है। और कुछ रस्में होता है जो सारा चीज़ वहाँ से आता है तभी होता है पूरा। ये है मरबा, तैयार हो गया है, सज गया है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। मैं भी तैयार होकर आ गई हूँ, लेकिन मैंने खुद को दिखाना ही भूल गई, तो बाद में दिखा दूंगी आप लोगों को। दुल्हन भी तैयार हो गई है और यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। तो ये है दीदी, दुल्हन की मम्मी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और हम दोनों का ना बहुत मतलब बॉन्ड अच्छा था। और हम लोग साथ में 7-8 साल गुजारे हैं। जब मैं बेंगलोर में नहीं आई थी तब तक हम दोनों साथ में ही रहते थे। हमेशा कहीं भी जाना आना हो तो हम साथ में ही जाते थे, मंदिर, कोई व्रत, कुछ भी, रात दिन हम लोग साथ ही जाते थे। तो ऐसा कुछ बॉन्ड था हम लोगों का। अब दीदी दिल्ली में रहने लगी, मैं बेंगलोर में, तो फिर हम लोग कभी कभार बात करते हैं। और दुल्हन भी तैयार हो गई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और आजकल तो मोबाइल का दुनिया है, तो खुद का सेल्फी ना लो ये हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे नेहा खुद की सेल्फी ले रही है और पूरा ज़िंदगी भर के लिए यादें बन जाता है। तो यहाँ पे कुछ बारात के आने से पहले ना कुछ रस्में होता है जो करना पूरा करना रहता है। तो यहाँ पे आम का और महुआ का पत्ता होता है, उसको राउंड करके और बांधा जाता है कलाई पे। और शादी के बाद ही ये खुलने वाला है, शादी के 2 दिन के बाद। चोट चोटा होता है हमारे यहाँ बोला जाता है, तो वो चीज़ उनके ससुराल में होने वाला है, ये मतलब उनके ससुराल में खुलने वाला है। तो वो रस्में दूल्हा का भी हाथ में बांधा हो गया, बांधा होगा, वो बारात आने से पहले दूल्हा को भी बांधा जाता है हाथ में, और यहाँ पे दुल्हन के हाथ में बांधा जाता है। और बहुत ही शोर हो रहा था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, पूरा गाना बजाना। ये बारात दूसरों का आ चुका है आज ना, बहुत सारा लगन है, बहुत सारे लोग, मतलब लगन है तो बहुत सारे लोगों का शादी है दूसरे दूसरे गांव में। और ये हमारे बगल में भी हो रहा है, ये देख सकते हैं, इस आंगन में भी शादी हो रहा है। और यहाँ भी बारात, आज ही बारात आया है, तो इनका बारात पहले आ गया है, दिखाती हूँ। वहाँ पे इनका बस लगा हुआ है, चाहे दूसरे जगह का ये तो पता नहीं, लेकिन लड़का आ चुका है और परीक्षण हो रहे हैं वहाँ पे। यहाँ का भी बारात आने ही वाला है, जस्ट सारा सब कुछ तैयार हो चुका है। सिर्फ सब लोग, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब दूल्हा आए और उनको जल्दी जल्दी हम लोग परछें और शादी स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ना बहुत लेट कर दे। 12 बजे करीब तो आया ही लड़का। और ये देखिए, अब यहाँ पे दूल्हा को परछेगा तभी ना बस आगे पीछे होगा। और देखिए यहाँ जो लाइट लगाया गया ना, उधर ही है मंडप, मंडप नहीं टेंट लगा हुआ है जहाँ पे जयमाला होगा। तो आप लोगों को बाद में लेके चलूंगी वहाँ भी और दिखाऊंगी आप लोगों की कैसा है। मेरा थोड़ा सा ना आवाज़ गला में खराश है, तो थोड़ा सा ना आवाज़ भारी भारी लग रहा होगा, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और ये देखिए ऊपर से ऐसा दिखता है। अभी ना सब लोग बारात का इंतजार कर रहे हैं, वहाँ पे जेंट्स लोग कोई भी नहीं दिख रहे, पूरा लेडीज ही है। हम हमारे यहाँ का बारात भी आ चुका है, चलिए दिखाती हूँ नीचे। अगरबत्ती के तो अथी सरिया का देती नहीं तो के सारी तारी ने जड़ जाए। तो यहाँ पे दूल्हा आ चुका है और यहाँ पे परिछने के लिए सब लोग आ चुके हैं। तो यहाँ पे दूर से दिख ही नहीं रहा था कुछ भी, तो आप लोग दूर से ही देखिए। यहाँ पे ना लड़की का जैसे दादी हुआ, मम्मी हुआ, बुआ हुआ और चाची हुआ, मतलब सब लोग यहाँ पे दूल्हा को परिछते हैं, बोलते हमारे यहाँ परिछना। तो दूल्हा को गाले का सेकैया होता है, आरती होता है, वे सारा चीज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे जयमाला के लिए, जयमाला के लिए चलेंगे।
तो यहाँ पे दुल्हन भी रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं जहाँ पे टेंट लगा हुआ है और जयमाला होगा, वहाँ पे बारात भी होगा, सारात भी होगा, जयमाला भी होगा और वहाँ पे सब लोग देखेंगे, पूरे गांव के समाज के लोग। ऊपर में
ये लोग मांगने जा रहे हैं लेकिन कोई देने वाला ही नहीं है यहाँ पे लग रहा है। कोई तो दे दो भाई। घैला वाली घैला पानी पिला था। घैला है घैला आगे ना कहीं मस्त भाग भोग लोगे बहुत भाई ठीक है तो कोई दखल करें माथा पर लेबे तो आज ना पति देव से ना मैंने प्रैंक कर दिया है कि मैंने बोला कि उनको ना कि आप ना जी अपना सर पे लेके चलिए और कुछ रस्में होता है जो आपको लेना ही पड़ेगा रख लीजिए। तो उन्होंने फटाक से मेरे सर पे लेके हाथ से लेके सर पे रख लिया। फिर दीदी ने बोला कि बेवकूफ बना रहे तुमको तुम बेवकूफ बन रहा है। तो बोला कि दीदी पहले नहीं बोला तुमने पूछा नहीं तुम पट से सर पे रख लिया। तो उन्होंने चट से उतार के फिर मेरे सर पे डाल दिया। और यहाँ पे ना तिलकाया जा रहा है मड़वा मतलब दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं आंगन तो पहले तिलकाया जाएगा उसके बाद ना मड़वा के अंदर जाने वाला है फिर वहाँ पे फीता उता कटेगा। तो सारा वीडियो मेरे पास नहीं है मैं चली गई थी जब तिलका रहे थे तभी मैं चली गई थी। ये थोड़ा सा वीडियो कहीं और से मुझे मिला है। तो यहाँ पे कन्यादान के लिए बैठा है और इसी वक्त मैं चली गई थी सोने के लिए क्योंकि ना दिन में भी नहीं सोया था रात में बहुत लेट से सोई थी। तो मेरा ना यहाँ बैठे बैठे ना मेरा आँख बंद हो रहा था तो फिर सोचा थोड़ी देर के लिए ना आराम कर लेती हूँ उसके बाद जाऊँगी। तो फिर सिंदूरदान का वीडियो और विदाई का वीडियो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा देखने के लिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए।